अस्सलाम वालेकुम जी, मियां इमरान अरशद हाजरे खिदमत। मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मौसूफा ने मैकडॉनल्ड भिजवाया है स्कूल के बच्चों को। अब सुनने में तो ये लगेगा कि क्या कमाल की है, इन्होंने अपनी प्लेट शेयर की है, इन्होंने मासूम बच्चों के साथ एक अच्छा खाना उनको भिजवाया है। कुछ फैक्ट्स और हकायक सामने रखने जा रहा हूं। ये मैकडॉनल्ड वही है अर्ज़े मुकद्दस में एक खौफनाक बदहाली का सबब बन रहा है। ये मैकडॉनल्ड और ये तमाम फ्रेंचाइजेज और इस किस्म के बिजनेसेस जो स्पेशली प्लीद रियासत के नुमाइंदे चला रहे होते हैं और इसका तमाम रेवेन्यू वहां जा रहा होता है, पूरे इस्लामी दुनिया में इसका बायकॉट किया जा रहा है। इसको हद तक और एक तहकीर की नजर से देखा जा रहा है। लेकिन मरियम साहिबा ने चूंकि विजिट किया था मरी के एक स्कूल का और उसके बाद जाहिर है वहां पर उनके प्रोटोकॉल का एहतराम का बंदोबस्त किया गया था, तो अब इन्होंने वहां खाना भिजवाया है। मैं दो चार चीजें सामने रखना चाहूंगा। इसका मतलब है आज ये चीज क्लियर हो गई आपके मैकडॉनल्ड मील भिजवाने से कि भाई आपकी नजर में अर्ज़े मुकद्दस के हालात और वहां पर बसने वाले मासूम लोग जो कि अपनी जानों की अपने बच्चों की कुर्बानियां दे रहे हैं कोई मैटर नहीं करता है, पाकिस्तानियों के लिए मैटर करता है, उम्मते मुस्लिमा के उन लोगों के लिए मैटर करता है जिनका हकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप सोचेंगे कि हकूमत तो हम लोग भेज रहे होते हैं बना के, तो भैया इस पर ज्यादा दिमाग पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है। आपकी असल चेहरा दिखाऊं, चलें दिखाते हैं। आज लाहौर में 900 रुपए से ज्यादा पर चिकन मिल रहा है, 900 रुपीज प्लस पे चिकन मिल रहा है, वो भी ब्लैक में मिल रहा है। सरकारी कीमत पता है कितनी है? नहीं पता होगा क्योंकि आप कौन सी ग्रोसरी खुद करती हैं या आपको महीने का कौन सा बजट अपने घर का बनाना पड़ता है। आपको चीजें महंगी होने से क्या फर्क पड़ता है? वो चिकन जो आम आदमी की प्रोटीन है वो ब्लैक में 900 पर बिक रहा है, सरकारी कीमत 600 प्लस से, सिर्फ 900 प्लस में बिक रहा है। फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रोटियां बांटते नजर आए, मुझे लगा कि ये किसी सैलाब ज़दा मफलूकुल हाल रियासत में मौजूद है, मैं भूल गया एक लम्हे के लिए। इतने कमाल लोग, इतने महान अजीम लोग हैं आप, शर्म आनी चाहिए। आपकी हकूमत में उस वक्त जब आप पंजाब की रानी हैं, पंजाब के तख्त पर आप विराजमान हैं, पंजाब के तख्त को आप कंट्रोल कर रही हैं, हर चीज आपके इशारे पर चल रही है, उस वक्त लोग रोटी खाने से तंग हैं, उस वक्त लोग चिकन खाने से तंग हैं, उस वक्त लोग दाल सब्जी खाने से तंग हैं, आप मैकडॉनल्ड को प्रमोट कर रही हैं, आप मैकडॉनल्ड के स्टेक्स को लुक आफ्टर कर रही हैं, अपेरेंटली आप उन रजील नापाक खूनी दरिंदों को और खूनी बिल्लों को टेक केयर कर रही हैं जो उम्मते मुस्लिमा के बच्चों का खून निचोड़ रहे हैं। वहां पर आप जैसी औरतों को रोजाना अपने बच्चों के जनाजे उठाने पड़ रहे हैं और आप उस लम्हे जब पूरी कौम नहीं पूरी उम्मते मुस्लिमा का एक बड़ा हिस्सा इन रजील लोगों के ब्रांड्स का बायकॉट कर रहा है, आप उनकी प्रमोशन इससे ज्यादा बेहतर नहीं कर सकती थी। अब समझिएगा, असल चेहरा दिखाऊं दोबारा से, अगर आपने सिर्फ खाना खिलाना होता तो दैट वॉज मोर देन सफिशियंट। क्या आप उनको मैकडॉनल्ड के मील नहीं रहे हो रही यार? आपसे आपने मैकडॉनल्ड ही भिजवाने, आप मैकडॉनल्ड या केएफसी भिजवाते, उसके साथ मैकडॉनल्ड के बैग इस तरह खड़े करके ना दिखा रहे होते। स्पेसिफिकली हर बच्चे दो बच्चों के दरमियान में एक मैकडॉनल्ड का बैग खड़ा किया हुआ है। क्या दिखाना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं आप, क्या कहना क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आपके लिए मुसलमान और मुसलमानों के मरते बच्चे मैटर नहीं करते हैं? इस कौम के लिए मैटर करते हैं। आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच टू मरियम नवाज, क्या आपने हमें अपना असल चेहरा दिखा दिया है, आपने ये बता दिया है कि जनाब हमारे लिए उम्मते मुस्लिमा के मरते बच्चे मैटर नहीं करते हैं, हमारे लिए वो अशराफिया मैटर करती है
जो सपोर्ट करती है पलीद रियासत को ताकि वो नापाक रियासत पाक रियासत पर खूनी बिल्लों की तरह चढ़ दौड़ सके, उनको तकवीयत मिल सके, उनके लिए आसानी और आफियत का काम हो सके। वेल डन मरियम नवाज, जिंदाबाद, क्या कमाल किया आपने। इससे अच्छा मैकडॉनल्ड एड बना ही नहीं सकता था, जिस एड में उन्होंने फ्री के एक्टर्स लिए, बच्चे, मासूम बच्चे, उनको शायद नहीं पता कि जो उन्हें सर्व किया गया है खाने में वो हलाल है, लेकिन उसके चक्कर में कितने बच्चे मर रहे हैं। मैकडॉनल्ड, अब आप कहेंगे नहीं मैकडॉनल्ड क्या कर रहा है, मैकडॉनल्ड की वजह से उनको तकवीयत मिलती है। और मैकडॉनल्ड का बड़ा जुर्म मैं बताऊं क्या है कि मैकडॉनल्ड ने फ्री मील्स दिए थे, याद है नहीं याद है, मैं अपना किस्सा बता देता हूं। आज से कुछ माह पहले ये नया नया मामला चला था, प्लीद रियासत ने, नापाक रियासत ने पाक अर्ज को, अर्ज मुकद्दस को अपने निशाने पर लिया था। इन द मीन वाइल एक मीटिंग के लिए मुझे कॉल आती है और उन्होंने मैकडॉनल्ड की लोकेशन रखी थी। मैं कह सकता हूं कि मैं गया ही नहीं, मैंने इनकार कर दिया, नहीं मैंने ऐसा नहीं, मेरे उस दैट वाज द मोमेंट जब ये चीजें इस तरीके से डेवलप नहीं हुई थी बायकॉट की सूरत में, आई वेंट देयर, मैं वह गया हूं, मैंने हार्डली मील का एक पोर्शन खाया होगा। इसी लम्हे में कुछ लोग वहां पर आते हैं और दे स्टार्टेड एजिटेटिंग, दे प्रोटेस्टेड देयर, और मेरे लिए बतौर मियां इमरान अरशद वो लुकमा अपने हलक से आगे गुजारना अजाब हो गया था। क्यों, मैं भी बार बार दोबारा दोबारा जा सकता था, दैट वॉज द लास्ट डे व्हेन आई वेंट देयर। अल्लाह का शुक्र है वी आर द पार्ट ऑफ द बायकॉट, बहुत सारी चीजें अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो आज से ये इरादा करते हैं कि इंशाल्लाह अजीज जब तक ये पलीद रियासत के नापाक खूनी बिले अर्ज़े मुकद्दस से निकल नहीं जाते, हम कोशिश करेंगे कि इन रजील लोगों का और सेहत के साथ बायकॉट किया जाए। और मरियम नवाज साहबा, थैंक यू वेरी मच, आपने ऐसी ब्रांडिंग की है ना मैकडॉनल्ड की, कमाल कर दिया है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि आपको मैकडॉनल्ड को पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेना चाहिए। सोचिएगा, समझिएगा, पंजाबी में कहते हैं डुलिया बेरादा, अजय भी कुछ नहीं गया, आइंदा से बाज आ जाए, आफियत होगी, अल्लाह करम करेगा। इजाजत चाहेंगे, अस्सलामुअलैकुम।